अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें स्पर्श रेखाएं अभिलंब चल रहे हैं। तो इसमें मैंने आज दो प्रश्न लिए हुए हैं और दोनों जो प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप दोनों प्रश्नों को ध्यान से सीखेंगे और इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने जो पहला प्रश्न लिया है, एक्स बराबर ए साइन क्यूब टी कॉमा वाई बराबर बी कॉस क्यूब टी के बिंदु जहाँ पर टी बराबर पाई बाई टू है पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब आप जानते हैं किसी भी स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है ये होता है y माइनस वाई वन बराबर टी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब आप देख रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्ञात करनी है आपको dy वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जो समीकरण है पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो इसका dy वाई बाई डी एक्स निकालना आपको सिखाया गया था। तो दोबारा से हम dy वाई बाई डी एक्स निकाल यहाँ पर निकालते हैं। तो आपको जो लिखा है x बराबर a साइन क्यूब t, तो t के फॉर्म में है तो अवकलन भी t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो dx एक्स बाई डी टी अगर आ गया 3a साइन स्क्वायर टी, साइन टी का आपका आ गया cos t। इसी प्रकार से y बराबर b cos 2t है तो dy बाई डी टी अगर आपका आ जाएगा 3b cos 2t का 3 आ जाएगा cos स्क्वायर t, फिर cos t का भी करेंगे माइनस साइन t, क्योंकि dy बाई डी एक्स आपको ज्ञात करना है। तो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे आपने सीखा भी है इसको और इसको आपस में भाग करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स का मान जो आपका आ जाएगा यह आ जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी का मान यहां से लिख लेंगे माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू माइनस इंटू साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर t cos t। तो तीन तीन कैंसिल हो गए, यहां से साइन t साइन स्क्वायर t को कैंसिल कर देगा, cos t cos स्क्वायर t को कैंसिल कर देगा। तो जो आपको नेट रिजल्ट प्राप्त होगा dy बाई dx ये प्राप्त होगा आपको cos t b cos t अपॉन माइनस b cos t अपॉन a sin t, यानी कि cot t बन जाएगा t का मान पाई बाई टू रखने पर t बराबर पाई बाई टू पर जो dy बाई डी एक्स का मान आएगा, इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख देंगे dy बाई डी एक्स cos पाई बाई टू 0 sin पाई बाई टू 1, टोटल रिजल्ट जो आएगा 0 ही आएगा। तो dy बाई डी एक्स का मान t बराबर पाई बाई टू पर 0 आ गया। और चूंकि x बराबर a साइन क्यूब टी है y बराबर b कॉस क्यूब टी है तो इसका मान आपका जो आएगा t बराबर पाई बाई टू पर x का मान आ जाएगा a साइन क्यूब पाई बाई टू। अब x को करके पॉइंट x1 और y1 के रूप में लेते हैं तो हम इसको x1 भी कह सकते हैं, तो x1 भी कह सकते हैं इसको a साइन पाई बाई टू 1 होता है 1 का क्यूब 1 यानी कि a आ गया। इसी प्रकार से हम t बराबर पाई बाई टू पर फिर से अगर हम निकालना चाहें y का मान उसको y1 कह देते हैं b cos क्यूब पाई बाई टू, यानी कि cos पाई बाई टू 0 यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगी 0 यानी कि y1 0 आ जाएगी। तो अब आपको y1 भी प्राप्त हो गया, x1 भी प्राप्त हो गया है, dy बाई dx भी प्राप्त हो गया। तो आपका समीकरण निकालना है स्पर्श रेखा का, तो समीकरण आ जाएगा y माइनस y1 कितना प्राप्त होगा 0, dy बाई dx t बराबर पाई बाई टू पर 0 हुआ है 0, और x माइनस x1 का मान प्राप्त हुआ है a, क्योंकि ये 0 से इंटू है ढाल 0 आई है तो टोटल वैल्यू आ जाएगी y माइनस 0 बराबर 0 यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 0। तो आपका जो स्पर्श रेखा का जो समीकरण प्राप्त हुआ है ये हुआ है y बराबर 0। तो दूसरा प्रश्न अब हम ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर y स्क्वायर और x y बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध करना है आपको एच के स्क्वायर बराबर 1। तो आप पहले जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो कम से कम उसको दो एक दो बार पढ़ लेंगे कि दिया क्या है और आपको क्या निकालना है। तो दो वक्र रखें x बराबर y स्क्वायर और x y बराबर के एक दूसरे को समकोण पर करते हैं, तो जब कट कर रहे हैं तो
तो सबसे पहले इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो लिखेंगे वक्र क्या क्या है। आपके पास वक्र है x बराबर y स्क्वायर और दूसरा वक्र है एक्स वाई बराबर के। जब दो वक्र रखे हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला जाएगा कि एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इनका जो सॉल्यूशन जो होगा x और y के जो दो मान होंगे वही इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। तो आप जानते हैं x बराबर y स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं अगर, तो इन दोनों का मान यहां से प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो y स्क्वायर का मान x की जगह y स्क्वायर दूसरे समीकरण में रख देता हूं, तो y स्क्वायर इंटू y बराबर आपको क्या प्राप्त होगा k। तो देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो y क्यूब बराबर आ गया k। जब y क्यूब बराबर k है तो y का मान आपका आ जाएगा k की पावर 1 बटा k। अब y का मान अगर आपको प्राप्त हो गया तो हम इससे x का मान भी निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 पर रख देते हैं तो इससे आपको x बराबर आ जाएगा तुम्हारा y स्क्वायर है तो y की जगह मैं रख देता हूँ k की घात 1 बटा 3 का वर्ग, यानी कि x का मान आ जाएगा k की घात 2 बटा 3, यानी कि k की घात 2 बटा 3 और k की घात 1 बटा 3 जो दो बिंदु होंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। ये क्या होंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो अब देखेंगे वक्र, जो पहला वक्र है x बराबर y स्क्वायर, तो हम पहले वक्र की ढाल निकालेंगे। तो पहले वक्र की ढाल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसका डीवाई बाई डीएक्स निकालेंगे पहले वक्र का। तो पहले वक्र के लिए आपको दे रखा है x बराबर y स्क्वायर, तो इसका अवकलन करेंगे, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का मान आ गया 1 डीवाई डीएक्स ऑफ x 1, y स्क्वायर का कितना हो जाएगा x के सापेक्ष 2y, y का dy बाई dx। तो हम देखेंगे dy बाई dx जो आ गया आपका 1 बाई 2y। अब पहले वक्र का जो ढाल आई dy बाई dx 1 बाई 2y, तो हम इसका dy बाई dx इन पॉइंट पर भी देख लेते हैं। तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा, y का मान की घात 1 बटा 3 है, तो मैं यहां रख दूंगा 2 वाई की घात, वाई की जगह रख देते हैं 1 बट्टा के की घात 1 बट्टा 3 हमने यहाँ पर मान रख दिया। अब दूसरा वक्र देखेंगे, दूसरा वक्र देखा आपको एक्स वाई बराबर के, एक्स वाई बराबर के दे रखा है, इसका भी हम डीवाई बाई डी एक्स भी करते हैं। तो ये पहला फलन वाई का डीवाई बाई डी एक्स प्लस y, x का कितना हो जाएगा x के सापेक्ष 1, k का जो कॉन्स्टेंट राशि है इसका आ जाएगा 0। तो अगर हम dy by dx का मान ज्ञात करें तो dy by dx y लगा के धनात्मक हो जाएगा, तो y माइनस y बट्टा x। फिर से आपको जो पॉइंट रखे हैं k की घात 2 बट्टा 3 और k की घात 1 बट्टा 3, इस पर dy by dx का मान जो दिए हुए पॉइंट है k की घात 2 बट्टा 3 और k की घात 1 बट्टा 3 कितना माना जाएगा, dy by dx का मान आ गया माइनस y बट्टा x, y का मान कितना है आपके पास k की घात 1 बट्टा 3 है और x का मान है k की घात 2 बट्टा 3, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है माइनस लिख देंगे, तो उसको जब मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो 1 बट्टा 3 इसको लिख दें तो नीचे जाके घट जाएगा, 2 बट्टा 3 से 1 बट्टा 3 घट जाएगा, तो इसको माइनस k की घात 1 बट्टा 3 dy by dx का मान आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरों को समकोण पर काटते हैं। अब आप जानते हैं जब दो वक्र एक दूसरों को समकोण पर काटेंगे तो उन वक्रों पर जो स्पर्श रेखा आई है, उस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा होगी उस पर जो वक्र कटेंगे समकोण पर, तो उस पर जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट जो होगा दोनों स्लोप का माइनस वन होगा। यानी कि आपने नाइन्थ में पढ़ा था जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है एम वन एम टू बराबर क्या होता है आपके पास माइनस वन होता है। तो M1 हम इसको पहले वाले को M1 भी कह सकते हैं यहाँ पर, तो जो पहले से मैंने निकाला था हमने इसको मैं M1 भी कह सकता हूँ और इसका जो हम इसको M2 भी कह सकते हैं। तो अब आप सीधे सीधे इसको यहाँ अप्लाई कर देंगे M1 M2 बराबर माइनस वन, तो M1 का मान कितना आया आपका, M1 का मान आया है आपका 1 बट्टा 2 k की घात 1 बट्टा 3 और M2 का मान जो आपका आया है माइनस 1 बट्टा k की घात 1 बट्टा 3 आया हुआ है।
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी माइनस वन के बराबर आएगी, इसको मैं माइनस वन लिख दूंगा। तो अब आप देखेंगे माइनस एक बट्टा तीन और एक बट्टा तीन जुड़ जाएंगे, टू के की पावर दो बट्टा तीन हो जाएगा बराबर माइनस वन, माइनस माइनस में कैंसिल कर देता हूं। तो टू के की घात दो बट्टा तीन बराबर एक, इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो बचा हुआ पार्ट है टू के की घात दो बट्टा तीन बराबर एक आ गया। अब दोनों ओर हम क्यूब कर दें, अगर क्यूब करने पर क्यूब कर देते हैं दोनों ओर, तो टू के की घात दो बट्टा तीन का होल क्यूब बराबर एक का क्यूब, दो का क्यूब एक, आठ आ गया। और के की घात दो बट्टा तीन में करेंगे तो केवल तीन तीन कट जाएंगे, केवल एट के वर्ग बचेगा, एक का क्यूब एक आया। तो जो आपका जो उत्तर चाहिए था आपको, समकोण करते हैं तो एट के स्क्वायर बराबर वन आपको उत्तर प्राप्त हो गया। तो इसके यार बार बार प्रैक्टिस करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें जो एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्न आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे।